वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं कोची से कुमरगम। अब कुमरगम आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा होगा फोटोज में, बट यू वोंट रिकॉग्नाइज की कौन सी जगह है। तो एक्चुअली केरला के टूरिज्म में ना ज्यादातर कुमरगम को बहुत वो दिखाया जाता है। तो बेसिकली इट इज अ मतलब बैक वाटर्स है, मतलब केरला में काफी जगह बैक वाटर्स, मतलब जो कि समुद्र का पानी है वो अंदर आ जाता है। तो अंदर इन द सेंस एक लैंड के आसपास है, वहाँ पे काफी बोटिंग वगैरह होती है, फिशिंग होती है। और वहाँ का मतलब जो मेन, जो मैंने जो फोटो देखा, कुमरगम रेस्टोरेंट्स आल्सो आर फेमस इफ यू आर फ्रॉम चेन्नई और ऐसी जगह पे जहाँ पे कुमरगम रेस्टोरेंट्स की चेन है। तो आपको आपने देखा होगा कि वो ऐसे नारियल के पेड़ ऐसे टेढ़े लगे हुए हैं और एक आइलैंड सा है, वो दैट इज कुमरगम। ओके, सो मैं कभी गया नहीं हूँ कुमरगम। वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है। तो हम लोग आज जा रहे हैं कोची टू कुमरगम। और मेरे यहाँ से ज़्यादा दूर मतलब एक्चुअली है नहीं, जिस जगह पे मैं हूँ अभी, तो दैट इज ऑलमोस्ट 37 किलोमीटर, एक घंटे का रास्ता। फिर भी बता रहा है क्योंकि मेरे हिसाब से काफ़ी कर्व्ड होगा क्योंकि केरला में रोड्स काफ़ी कर्व्ड है। तो यार बस तो यहाँ से निकलेंगे और सीधा हम चलेंगे कुमरगम की ओर और आपको दिखाएंगे कुमरगम कैसा है। तो या स्टे ट्यून्ड टू द चैनल गाइस, बाय बाय। पहुंचने वाले हैं, 3.1 किलोमीटर और है, 5 मिनट का रास्ता है। बल्कि जो यहाँ पे रास्ता है ये काफ़ी ज़्यादा बैक वाटर्स है, पानी पूरा इसमें आया हुआ है और बहुत ज़्यादा सीनिक है। और आप इस तरफ देख सकते हैं राइट साइड में पूरा आई थिंक समुद्र है, तो बहुत ही सीनिक रास्ता है। मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स डालूंगा इसमें, डैश कैम से निकाल के भी डालने दूँगा। और बीच बीच में ना वो मतलब थोड़ा सा एक रिवर तो मैं नहीं कहूँगा उसको, वो पानी जैसे अंदर आता है ना, समुद्र का पानी जाता है और आता है, वो वाला उसमें थोड़े थोड़े वो बना रखे हैं। और ऐसे ब्रिजेस हैं और ब्रिज पे मतलब काफ़ी सारा बोटिंग वोटिंग का सीन है। तो ये चेनपुकल ब्रिज है और ऐसे ही सिमिलर ब्रिजेस देखो, आप इसमें बोट हाउस देख सकते हो, बोट हाउस आप देख पाएंगे इसमें। तो ये सिमिलरली बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस और ऐसे बोट हाउसेज हैं, लोग यहाँ पे आके रहते हैं रात भर और खाना वाना इसमें मिलता है और काफ़ी मतलब ऐसा सा रहता है। तो आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ से एंड में आने का थोड़ा रास्ता पतला था, बाकी बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हो पानी बहुत शांत है, यहाँ फिशिंग वगैरह कर रहे हैं लोग। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, पूरे रास्ते में पानी का वो जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं मोस, ये जो पानी पे कैनाल टाइप का है और इसमें बोट है और घर के बिल्कुल सामने से लोगों के जा रहा है और कब बहुत ही सुंदर है वैसे तो। बट मैं सोच रहा हूँ रात को इनके घरों में बहुत मच्छर हो जाते होंगे पानी की वजह से। उसके अलावा आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। कुमरगम के आसपास है ना बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, इवन ताज का रिजॉर्ट है और काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स हैं। अगर आप आओ तो आप रिजॉर्ट्स में रुक सकते हो, आई थिंक थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे होंगे बट व्यू बहुत अच्छा है वैसे। अगर आप ऐसे हमारे तरह आ रहे हो तो मतलब आप आके यू कैन जस्ट ड्राइव और फिर उसके बाद निकल सकते हो, मतलब ज़्यादा देर का ऐसे नहीं, काफ़ी देर आप थोड़ी देर बैठ सकते हो। वैसे पानी आ रहा है और हम थोड़े से शांत उसमें गए थे और मेरे को तो वो बेटर लगा, जो पब्लिक वाले जगह से ज़्यादा बेटर लगा कि पानी था, काफ़ी पानी था और शांत। उसमें हम लोग थोड़ी देर फोटो वगैरह खींचा और अपना देखा, उसको थोड़ी देर ऑब्जर्व किया और बस फिर चल लिए। अब यहाँ पे अब मैं जैसे आपको बताया था हाउस बोट्स का वो कल्चर है, यहाँ थोड़ा सा हाउस बोट्स वगैरह मिल देख सकते हो आप, तो वो है। बाकी और कुछ नहीं यार, अब थोड़ा बस अब यहाँ से घर की तरफ चलेंगे वापस। मैं हाँ टेम्पल्स जाऊँगा, एक दो देखता हूँ यहाँ के टेम्पल्स और फिर उसके बाद अगर वहाँ शूटिंग शायद अलाउड नहीं होगा, बट अगर अलाउड होगा तो मैं थोड़ा दिखा दूँगा आप लोगों को।
यार हम लोग सबसे पहले यहाँ पे वैक्यम में एक टेम्पल बहुत फेमस है, शिव जी का है, वैक्यम महादेव टेम्पल है, तो उसकी स्टोरी मेरी नानी बताएगी आपको अभी। तो नमस्कार, हम लोग इप्पो हम लोग शिव क्षेत्र ये फेमस टेम्पल है, 101 शिवलिंग में एक शिवलिंग ये मान जाता है। ओके, ये शिव जी। तो इनका तो प्रतिष्ठा ने तो नहीं, आप कहानी बता रहे थे कि वो हाँ, वो बताओ पहले। ये त्रेतायुगम में हुआ है, ठीक है। पहले खरन नामक एक राक्षस था, वो तो था शिव जी का बहुत भक्त। तो क्या हुआ, उन्होंने शिव जी का तपस करके उन्होंने उनको उनकी लिंग मांगा, तो उन्होंने 3 लिंग दिया। एक तो उन्होंने उनके बोला नीचे रखा, शिवलिंग दिया, तो उन्होंने बोला नीचे रखा तो उधर में वो स्थापित हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो इनको ये लेके यूं उड़ गया। उड़ के जाके तो उनको तो थोड़ा सा थकावट तो आता है नेचुरली, तो इन्होंने क्या किया, एक हाथ दक्षिण दिख में कर दिया, एक उत्तर में कर दिया, और एक मुंह तो यूं कर दिया। तो यहाँ जो रखा उनको तो शिव महादेव टेम्पल बन गया। हाँ, वो वैक्यम टेम्पल। हाँ। और बीच में जो रखा वो कड़ुतिरुति बन गया, ठीक है। और तीसरा था एटुमानु, ओके, वो भी उधर बन गया, एटुमानु टेम्पल भगवान। तीनों शिव और लोग भक्त बोलते हैं ये तीनों टेम्पल एक टाइम सुबह की टाइम पर तीनों टाइम पर दिन से पहले आके दर्शन करेगा तो अपना सारा मन की इच्छा पूरा हो जाती है, इसलिए सब लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, तो हम वैक्यम टेम्पल आ गए और हम लोग इसमें क्या 4 अलग अलग तरह से एंट्री होता है, 4 अलग अलग तरफ से डायरेक्शन से। तो हम लोग अभी एक डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, वो ईस्ट। तो ये ईस्ट वाले से हम एंटर करने वाले हैं और फिर देखते हैं अंदर कैसा सीन है। चलो, ओके। वहाँ दर्शन कर लिया वैक्यम महादेव टेम्पल पे और अब बस यहाँ से घर जाएंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे केरला में क्या है ना, रूल है कि मतलब आदमी लोग शर्ट पहन के, मतलब आपको शुड बी बेयर चेस्टेड जब आप मंदिर के प्रमाइसिस के अंदर, मेन प्रमाइसिस के अंदर एंटर करोगे, तो वो यहाँ का रूल है, तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। प्लस मैंने ना यार अंदर मैं कैमरा से शूट नहीं करता मंदिरों में, तो हमने अगर कहीं अलाउड होता है तो अलग चीज़ है, बट मैं जनरली नहीं करता तो मैंने नहीं किया शूट। तो बस इतना ही यार इस वीडियो में, इतना के लिए इतना ही रखते हैं। आपको कुमारगम दिखा दिया और आपको वैक्यम महादेव का फेमस टेंपल दिखाया और बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे किसी एक और दूसरे वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल गाइस। और हाँ, मैंने आपको बताया कि आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये वीडियोज़ काफ़ी लेट एडिट होकर काफ़ी लेट आती हैं। तो यार एक शिव जी का मंदिर है और ये ट्रेडिशनल केरला स्टाइल में मंदिर है, आप देख सकते हो। ये ऐसा एक पॉन्ड्स टाइप रहता ही रहता है हर मंदिर में और फिर उसके बाद आगे का मंदिर बना हुआ है। आप देख सकते हो ये पॉन्ड है और फिर इसमें आगे मंदिर है। ये एक्चुअली मेरा वो है, क्या कहते हैं, कुल देवता का मंदिर होता है ना, तो ये कुल देवता का मंदिर है और ये एक्चुअली शिवा का टेम्पल है। तो एक्चुअली मैं सिर्फ यहाँ पर एक बार ही आया हूँ इससे पहले, और वो भी 4-5 साल पहले आया था और अब आ रहा हूँ। तो ये हाँ, तो वैसे कहते हैं कि कुल देवता के मंदिर हर साल जाते हैं लोग, बट मैं एक बार ही हूँ। और एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है, द फनी थिंग इज़ दैट मेरी नानी को भी नहीं पता था कि ये है हमारा कुल देवता का मंदिर। और बट अभी कुछ टाइम पहले ही आई थिंक उनको पता पड़ा था कि ये मंदिर है, क्योंकि वो बचपन में ना वो जो वैक्यम वाला महादेव टेम्पल है वहीं जाते थे और उनको लगा वो है, बट वो नहीं था, ये वाला, ये भी महादेव का ही टेम्पल है बट ये मतलब ये वाला था। तो मैं अब यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, आपको बने जैसे दिखाया कि काफ़ी ट्रेडिशनल मंदिर है टिपिकल। तो ये ईस्ट फेसिंग है इसमें शिव जी और इसके साथ ही मतलब गणेश जी हैं साथ में, और इधर जो पॉन्ड है ये है, और काफ़ी बहुत ही सुकून देने वाला मंदिर है। और आप यहाँ देख सकते हो कि पूरा बैकग्राउंड इसका कैसा है, मतलब जो सराउंडिंग्स है वो देखो, ये तुम देख सकते हो यार कैसा है, मतलब पूरे कोकोनट के ट्रीज हैं और यहाँ पे ये सब है। और ये अपना नंदी जो है ये महादेव के मंदिर के सामने खड़ा हुआ है। तो बस अब मैं वापस अंदर जाऊँगा, तो बस मैं थोड़ा सा, बस इतना ही मैंने इसमें रखा है, ये अलग से अगर कभी डालूंगा कि मुझे पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी करें, आपका आपके कुल देवता का मंदिर कौन सा है वो बताइए। और रास्ते में हम लोग घर जाते वक्त रास्ते में ये दिखा था मैं, पुरेयूरम फूड कोर्ट है ये। तो ये एक्चुअली क्या है ना, रिवर के तट पे है,
तो यहाँ पे काफी फ्रेश फिश वगैरह मिल जाएगा। अगर आप फिश वगैरह खाना चाहते हो तो यहाँ मिल सकते हैं। एम्बियंस भी काफी अच्छी लग रही है, आप बताइएगा। एम्बियंस काफी सही है और ये बोटिंग वगैरह भी कराते हैं यहाँ पे, बोटिंग अवेलेबल लिखा हुआ है। और आप ये देखो, ये एक्चुअली मलयालम में पोर्रा बोलते हैं रिवर को, और ये रिवर के तट पे है। और ये देखो बोट है इनका, हाउस बोट टाइप है, और ये काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे खाना मिलता है, मैं आई थिंक एक बार पहले आया हूँ शायद, बहुत पहले, बट मुझे याद नहीं है। काफ़ी सही खाना है। खाते खाते बारिश हो गई है, आप देख सकते हो बहुत ही तगड़ा लग रहा है। इस तरफ नदी है और बारिश हो रही है और हम सिर्फ इसके ऊपर बैठे हुए हैं। काफ़ी सुंदर है और खाना भी काफ़ी टेस्टी है, प्लस ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है।